ओम ज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानंजनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो भगवान शिव बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं सिखा रहे हैं प्रचेताओं को। तो अगली प्रार्थना में वो कहते हैं, सर्व सत्व आत्म देहाय विशेषाय स्थविषये नमस्त्रैलोक्य पालाय सह ओजो बलाय च। तो ये भी एक बड़ी सुंदर प्रार्थना है। वो कह रहे हैं सर्व सत्व आत्म देहाय। सत्व का मतलब होता है हम इस भौतिक संसार में, हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा स्थान इस भौतिक संसार में कैसे संभव है। भगवान के द्वारा संभव है, ये बहुत सुंदर है समझना। वो कह रहे हैं सर्वदेहाय, इतने सारे प्राणी हैं इस भौतिक संसार के अंदर में। कितने सारे प्राणी हैं? 84 लाख प्रकार के प्राणी होते हैं। 84 लाख अलग अलग योनियां हैं, मतलब 84 लाख अलग अलग प्रकार के शरीर हैं। मनुष्य का शरीर अलग है, बंदर का शरीर अलग है, कुत्ते का शरीर अलग है, बिल्ली का अलग है। इस प्रकार से 84 लाख प्रकार के भगवान ने जो है शरीर बनाए हैं जीवों के लिए। और ये सब कहां पर टिके हुए हैं, इनका वास कहां पर है? इस ब्रह्मांड के अंदर में है, इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के अंदर में सारे जीव टिके हुए हैं। कोई पृथ्वी लोक पर है, कोई स्वर्ग लोक में है, कोई अन्य लोकों पर है। तो इन सब का वास जो है इस ब्रह्मांड के अंदर में। ये ब्रह्मांड क्या है? ये ब्रह्मांड भगवान का विश्व रूप है। जैसे हमारा, देखिए हमारा ये रूप होता है, हमारे शरीर के अंदर में हमारा शरीर जो बना हुआ है वो कैसे बना है? विज्ञान के अनुसार, साइंस के अनुसार क्या है, इस शरीर के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे सेल होते हैं। तो इन, ये जो सेल होते हैं, इन सब के जोड़ने से ये सारा शरीर बना हुआ है। जिस प्रकार से एक पदार्थ में हम लोग कहते हैं कि उसमें अणु होते हैं, एटम होते हैं, छोटे छोटे अणु के मिलने से एक वस्तु बनती है, इसी प्रकार से विज्ञान के अनुसार हमारा शरीर कैसे बना है, एक छोटी यूनिट है जिसको सेल बोलते हैं। जैसे अगर आप घर बनाते हैं, घर कैसे बना होता है? ईंटों के जोड़ने से। बहुत सारी ईंटें आप लगाएंगे, ब्रिक्स लगाएंगे, तो धीरे धीरे आपका घर बन जाएगा। तो शरीर के लिए ईंट कौन सी है, उसको सेल बोलते हैं। तो उसके जोड़ने से ये पूरा शरीर बनता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान आपका शरीर जो है, ये जो विश्व रूप है, इसलिए तो भगवान का ये जो शरीर है ब्रह्मांड का रूप है। जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था, विश्व रूप का मतलब क्या है? इस ब्रह्मांड का स्वरूप भगवान का, जिसके अंदर में सब कुछ है, सारे प्राणी भगवान के अंदर में है, भगवान के विश्व रूप के अंदर में है। तो वही कह रहे हैं कि भगवान ये सारे जितने भी देह हैं, अनेकों प्रकार की जो देह हैं, वो आपके विश्व रूप के अंदर में वास करते हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। तो वही कह रहे हैं सर्व सत्व आत्मा देहाय विशेषाय स्थ विषये।
विशेषाया मतलब अनेकों प्रकार की वैरायटी, 84 लाख प्रकार के देह, ये सब आपके इस विश्व रूप के अंदर में वास कर रहे हैं। नमस्त्रैलोक्यपालाया, और कह रहे हैं कि हे भगवान, आप तीनों लोक के पालन करने वाले हैं। तीन प्रकार के लोक होते हैं, नीचे के लोक जैसे पाताल, अतला, पाताला, वितला, सुतला, ये सब नीचे के लोक आते हैं। मध्य के लोक जैसे पृथ्वी जो है मध्य में है, और उच्च लोक आते हैं जैसे सत्यलोक, तपोलोक, ये सब जो है ऊपर के लोक हैं। तो तीनों लोकों के पालन करता भगवान है। तो कह रहे हैं नमस्त्रैलोक्य पालाया, सह ओजो बलायचा। सह ओजो बलायचा का मतलब क्या है कि हरेक प्राणी में शारीरिक और मानसिक शक्ति होती है। तो बला का मतलब होता है शारीरिक शक्ति, ओजो का मतलब होता है मानसिक और इंद्रियों की शक्ति। तो वो भी आप ही प्रदान करने वाले हैं, सभी जीवों को आप ही ये प्रदान करते हैं। तो इनका कहने का अर्थ क्या है, वो ऐसा प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? तो कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये सारे के सारे जीव आपके अंदर में हैं, सारे शरीर आपके अंदर में हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये सारे जीव, क्योंकि आपके द्वारा ही इनका पोषण होता है, आप अगर इनके ऊपर कृपा करेंगे तो ये सब आपकी भक्ति में लग सकते हैं, ये सब आपकी भक्ति में लग सकते हैं। अगर भगवान प्रेरणा दे देते हैं, क्योंकि भगवान ही यहां पर बताया है सह ओजो बलायचा, वही हमारी इंद्रियों का पोषण करते हैं, वही हमारे शरीर का भी पोषण करते हैं। तो अगर भगवान किसी प्रकार से हमारे ऊपर दया करते हैं, वो हमें इंस्पायर करते हैं, क्योंकि ये तो भगवद गीता में भगवान ने स्वयं बताया है। भगवान ने क्या कहा है, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मेरे द्वारा ही स्मृति आती है, मेरे द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और मेरे द्वारा ही व्यक्ति जो है मुझे भूल जाता है। अगर हम भगवान को भूलना चाहते हैं, वो हमारी इच्छा है, तो भगवान हमें ऐसा ज्ञान देगा तो हम लोग कहेंगे कौन सा भगवान है, कैसा भगवान है, कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। ऐसा ज्ञान देने वाला भी भगवान है, लेकिन क्यों देता है, हमारी इच्छा के अनुसार। हिरण्यकश्यपु भगवान की शरण में नहीं जाना चाहता था, तो भगवान ने उसके मन से ऐसा ज्ञान दिया, वो कहता है अपने पुत्र को भी पूछ रहा है कौन सा भगवान है, किस भगवान की बात कर रहे हो तुम, मैं ही भगवान हूं, मेरी उपासना करो, कौन विष्णु है। तो भुलाने वाला भी भगवान है हमारी इच्छा के अनुसार। और अगर हमारी इच्छा है कि मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूं, तो मन के अंदर से इंस्पिरेशन, उत्साह देने वाले भी भगवान हैं। तो इसलिए भगवान शिव जो हैं प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप ही तो तीनों लोकों के पालन करने वाले हैं, आपके विश्व रूप के अंदर में ही ये सारी की सारी जितनी भी देह हैं, विभिन्न प्रकार की 84 लाख प्रकार की जो देह हैं, ये सब आपके द्वारा ही पोषित हैं। आप अगर उनको थोड़ी प्रेरणा देंगे तो भगवान वो सब आपकी सेवा में लग सकते हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं। और एक बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ जो हमें समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहा सह ओ जो बलायचा, मतलब हमारे बल के द्वारा, शारीरिक बल के द्वारा, और ओजो का मतलब होता है इंद्रियां और मन का बल, इन सब को हमें जो है भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। क्योंकि यही तो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप इन सब को पोषण करते हैं, इंद्रियों का पोषण भी आप करते हैं, मन का पोषण भी आप करते हैं, आप उनको प्रेरणा दीजिए। मतलब क्या है, हमें जो है इन सब चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए।
इसलिए वेदों में बताया है चार चीजों के द्वारा भगवान की सेवा होती है। वो क्या क्या है? प्राणा अर्था धिया वाचा। अपने प्राण के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा और अर्था अपने जो भी हमने अपनी तरफ से कमाया है धन दौलत, इन सब के द्वारा जो है भगवान की सेवा हमें करनी चाहिए। तो ये भी एक बड़ा सुंदर जो है प्रार्थना वो करते हैं। अगले में वो प्रार्थना करते हैं अर्थलिंगाय नभसे नमो अंतर बहिरात्मने नमः पुण्य लोकाय अमुष्मयी भूरि वर्चसे। तो ये भी एक बड़ी सुंदर प्रार्थना है। इस प्रार्थना में वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं अर्थ लिंगाय नभसे, मतलब लिंगाय का मतलब होता है लोगों को प्रदान करना, स्पष्ट करना। अर्थ, अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। नभसे, नभसे ये जो नभ होता है, स्काई होता है, हमने ये सुना था सबसे पहले नभ के अंदर में साउंड, शब्द प्रोड्यूस होता है। शब्द के द्वारा, शब्द ब्रह्मा के द्वारा, शब्द ब्रह्मा का मतलब होता है वेद, वेदों के द्वारा भगवान भौतिक संसार का, आध्यात्मिक संसार का अर्थ, मीनिंग, ये संसार क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान कौन है, जीव क्या होता है, संसार में हम कष्ट क्यों भोग रहे हैं, इन सब का अर्थ हमें पता नहीं है। हमारे जीवन का अर्थ क्या है, कुछ पता नहीं है। तो भगवान शिव कह रहे हैं अर्थ लिंगाय नभसे, नभ के द्वारा, मतलब उसमें शब्द के द्वारा आप सभी जीवों को उनके जीवन का अर्थ प्रदान करते हैं वेदों के द्वारा। वो शब्द क्या है? वो शब्द वेद ही तो हैं। वेदों को ही शब्द ब्रह्मा कहते हैं। मतलब वेदों के द्वारा सभी जीव अपने जीवन का अर्थ समझ सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम देखते हैं, ये एक आचार्यों ने सुंदर उदाहरण दिया है। मान लीजिए आप घर में एक कुछ लेकर के आते हैं बाजार से, एक यंत्र लेकर के आते हैं। आजकल जैसे उदाहरण ले सकते हैं आप, एक टेलीविजन लेकर के आते हैं, एक स्मार्टफोन खरीद करके लाते हैं। तो जब आप टेलीविजन लाते हैं, एक फोन खरीद करके लाते हैं, कंपनी जिसने वो यंत्र बनाया है उसके साथ में आपको एक मैनुअल देता है कि भाई इसके फीचर ऐसे काम करते हैं, ये बटन दबाइए, इस प्रकार से सॉफ्टवेयर उसमें जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, एक मैनुअल साथ में आएगा। ये टेलीविजन आपको जो है किस प्रकार से उपयोग में सही प्रकार से लाना है ताकि आपको बेस्ट यूज मिल सके, तो आप मैनुअल पढ़ते हैं। इसी प्रकार से हमें समझना है, संसार में आ गए हम लोग, अगर मैनुअल नहीं है संसार में हमें कैसे जीना है, हमें, हम किस प्रकार से खुश रह सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने साथ में मैनुअल भी दिए हैं। यही वेद पुराण शास्त्र जो है मैनुअल है, जिसको पढ़ करके हमारे जीवन का अर्थ क्या है उसको हम समझ सकते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान शिव जो है यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपने ही संसार के लोगों को उनके जीवन का अर्थ समझाया है। कैसे? नभसः, नभ के द्वारा, अर्थ लिंगाय नभसे, शब्द के द्वारा, शब्द ब्रह्मा, वेदों के द्वारा भगवान ने जो है समझाया है। आगे क्या कहा है? नमो अंतर बहिरात्मने, आप जो हैं अंदर भी हैं, आप बाहर भी हैं हर एक जीव के, क्योंकि भगवान
सर्वव्यापी हैं। भगवान अंदर भी हैं, भगवान बाहर भी हैं। तो इसलिए भगवान जो है सभी चीज के ज्ञाता हैं, और भगवान ही जो हैं हमारे जीवन का अर्थ हमें समझा सकते हैं। इसलिए भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही ने, जो अंदर भी रहते हैं बाहर भी रहते हैं, आपको सब ज्ञान है, तो आप ही ने जो है शब्द ब्रह्मा के द्वारा लोगों को ये ज्ञान प्रदान किया है, तो मैं आपकी जो है उपासना करता हूँ। अब सबसे महत्वपूर्ण हमको ये समझना है कि शब्द ब्रह्मा जो वेद हैं उनका निष्कर्ष क्या है, उनका निचोड़ क्या है, उनका सार क्या है। उनका सार भगवान भगवद्गीता में बताते हैं, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्याः, सभी वेदों के द्वारा मुझे ही समझना है। अगर आप सारा वेद पढ़ लेते हैं और आप जो हैं इस कंक्लूजन में नहीं पहुंचते हैं कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, तो हम मूर्ख हैं, हमारा वेदों का सही पठन नहीं हुआ है। तो यही वो बता रहे हैं। और ये जो हरे कृष्णा मंत्र है, ये सभी वेदों का सार बताया जाता है। ये कहा है, जो कली संतरण उपनिषद है उसमें बताया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मश नाशनम, नातः परो उपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। सारे वेदों में ढूंढ करके देख लो, और बढ़िया मंत्र आपको नहीं मिलेगा जिसके द्वारा कलयुग में हमारा उद्धार हो सके। कलयुग का सार, कलयुग का मंत्र जो है ये हरे कृष्ण मंत्र बताया गया है। तो इसलिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जो हैं, जिन्होंने सारे वेद हमें प्रदान किए हैं, उन वेदों के द्वारा हम भगवान को समझ सकें, और इन प्रार्थनाओं, इन मंत्रों के उच्चारण के द्वारा हम भगवान की सेवा में लग सकें। और आगे अब वो क्या प्रार्थना करते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।